चोको ब्लिस के नाम से न्यूटेला ली थी, आप कुछ भी ले सकते हैं चॉकलेट में। और यहाँ हाफ कप मैंने मिल्क लिया था। ये मेरे इंग्रेडिएंट्स लिए और मेरी फर्स्ट कुकिंग है, तो अब जो है मैं मिल्क के अंदर जो है 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी और उसको मिक्स कर लूँगी। तो आप जो है मेरी जो है फर्स्ट रेसिपी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करके बना रही थी और बहुत मज़ा आया मुझे। और मामा ने आज कोई रेसिपी नहीं बनाई थी, इसलिए आज मैंने जो है आपके साथ ये रेसिपी शेयर की। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी, इजी सी मैंने बनाई। और मेरे मामा से सारी जो है इजी मैंने मामा से सारी जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत अच्छे से मैंने पूछे और उसको मिक्स कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, तो वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन ये बहुत ईजी सी रेसिपी है। मुझे बहुत मज़ा आया इसको बनाते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्रेड के 2 स्लाइस कर लिए हैं, यहाँ पे अलग अलग कर लिए थे मैं। अब इसके ऊपर मैं जो है अपनी चोको ब्लिस जो है चॉकलेट उसको स्प्रेड करूँगी इसके ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर मैं इसको पूरा दिखाऊँगी कि मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब मैं इसको एक के ऊपर एक रख दूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके से किया है। और जो है अब यहाँ पे मैं पैन ले रही हूँ और उसके अंदर मैं बटर ऐड कर रही हूँ। और ये जो है सारी जो है जो भी हैं इंग्रेडिएंट्स ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और इसके अंदर जो मैंने आपको ब्रेड दिखाई थी वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसको दोनों साइड से मैं ब्राउन कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की रेसिपी बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझसे पलट नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा कि आज तो भाई कुकिंग मैं ही करूँगी और बाबा को अपने हाथ का खाना मैं खिलाऊँगी। तो मैंने बाबा को खिलाया, बाबा को इतना मज़े का लगा कि बाबा ने बोला एक और है। मैं कहा बाबा अभी तो मैंने जो है ये आपके टेस्टिंग के लिए बनाया था, अगली बार में बनाऊंगी तो आप खाइएगा। तो बाबा को बहुत मज़ा आया। और जब भी मैं कोई छोटी मोटी सी कुकिंग करती हूँ तो ये बनाती हूँ। अब आप देख सकते हैं जो मैंने शुगर इसके अंदर ऐड की थी मिल्क के अंदर, उसको मिक्स करके अभी पूरा मिल्क जो है मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके ऊपर डाला, अगर नहीं डालेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब जो है जलने लग जाएगा, इसलिए आपने इसके अंदर मिल्क डाल देना है। और अब ये ड्राई होने तक आपने इसको मतलब ड्राई करते रहना है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, ना इसको आगे पीछे करना है, क्योंकि अभी आपकी जो ब्रेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, ये बिल्कुल अभी आपसे सनलेगी नहीं, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ चम्मच हिला हिला के आपने इसको पूरा ड्राई करना है कि मिल्क बाकी ना रहे और बिल्कुल जो हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको ड्राई कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया। और आपको पता है मुझे इतना पानी आ रहा था और मैं खड़ी हुई थी किचन में और बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको इंजॉय करके बनाया और इंजॉय करके खाया भी। तो ये मेरी फर्स्ट रेसिपी थी जो कि बहुत ही अच्छे से बनी। और अभी मैंने सोचा कि इस पर डेकोरेटिंग कर लूँ। आपके पास जो भी जो है जो कुछ भी पड़ा हो, चॉकलेट्स पड़ी हों या कोई फ्रूट पड़ा हो, आप इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं जो अवेलेबल हो आपके पास। तो यहाँ पे मुझे बनानास बहुत पसंद है और मेरी फैमिली भी बड़े शौक से खाती है, तो यहाँ पे मैं बनानास ऐड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये चॉकलेट सिरप है मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इतने स्टाइल से मैंने इसको बनाया है। तो आप इसका फाइनल में देखिए कि कितने ज़बरदस्त ये बनी है और मज़ा आ गया भाई इसको खाकर। ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड सबको खिलाइएगा। तो मेरी और मामा की तरफ से, मामा तो आएंगे, मेरी मामा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।